ज वेलकम टू आर चैनल एंड आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूलाज तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में ट्वेल्व फार्मूलाज तो वन बाय वन उनको समझते हैं कि क्या है किस तरह से है फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्यू इक्वल टू एन ई क्यू यानी क्या होता है क्यूनि क्या होता है चार्ज ठीक है चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू इलेक्ट्रॉन ठीक है नंबर ऑफ हमें ऐसे क्या ये क्या है चार्ज निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट फार्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी आई यानी क्या होता है आई यानी कि होता है करंट और क्यू यानी कि हमने अभी पढ़ा कि चार्ज और टी यानी कि क्या होता है टाइम ठीक है क्यू इक्वल टू चार्ज बाई टाइम ठीक है और क्या होता है नेक्स्ट uh, है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वी यानी क्या होता है हमने पढ़ा अभी सॉरी uh, ये वी यानी कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या है आई आर आई यानी क्या होता है आई यानी क्या होता है करंट इन टू आर यानी क्या होता है रेजिस्टेंस ठीक है नाव फोर्थ है ओम ओम्सिलॉ ठीक है वी इक्वल टू आई आर वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट आई यानी कि करंट आर यानी कि आर यानी कि रेसिस्टेंस ठीक है नाव सर ये हमने पढ़ा नहीं है अभी थर्ड वाला ठीक है थर्ड वाला क्या है वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट और डब्ल्यू यानी क्या होता है वर्क डन या फिर आप इसको एनर्जी बोल सकते हो और क्यू यानी कि हमने पढ़ा भी चार्ज ठीक है नाउ फिफ्थ फॉर्मूला है पी इक्वल टू आई वाई ए पी यानी क्या होता है पावर इक्वल टू आई यानी क्या होता है हमारा करंट वाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेशन ठीक है नाव सिक्स है हमारा सीरीज़ का रेसिस्टेंस इन सीरीज़ में ठीक है यानी कि जैसे कि आर एस हो गया इक्वल टू आर वन प्लस आर आर टू आर प्लस आर थ्री प्लस आर फोर एंड सोवन ठीक है तो ये क्या होता है सीरीज़ uh, में होता है मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से सीरीज़ में करेंट फ्लो होता है ठीक है ये सीरीज़ में लगे होते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से ठीक से, है सेवन्थ है वन वाई आर पी इक्वल टू वन वाई आर वन ठीक है एंड सोवन ठीक है तो यहाँ पर वन वाई आर पी यानी कि ये क्या है पैलर में है तो इसको पैरन में हम इस तरह से लगाते हैं ठीक है ये एक दूसरे के पैरन हो जैसे मैथ में पढ़ते आते हैं पैरल लाइन ठीक है तो वो इक्वल टू तो इसका रेसिप्रक्वल हो जाता है ठीक है जैसे आर आर है तो वन बाई आर वन हो जाएगा और आर टू तो वन बाई आर टू और वन बाई आर थ्री ठीक है और वन बाय आर फोर इस तरह से ये चलता रहता है ठीक है एट्थ है पी इक्वल टू वी वाई टी पी यानी क्या होता है पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम ठीक है तो ये क्या हो जाता है पावर का ना है पी इक्वल टू वी आई पी इक्वल टू वी आई वी यानी कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंट हाँ पोटेंशियल डिफरेंट बाय क्यू यानी क्या होता है करंट ठीक है नाव टेंथ uh, है पी इक्वल टू वी स्क्वायर वाई आर वी स्क्वायर वाई आर ठीक है वी स्क्वायर बाय आर होता है क्या का इसका फॉर टेंथ uh, और ट्वेल्थ है यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है यहाँ पे आपको रॉ का साइन लगेगा जो कि रेसिस्टिविटी को प्रेजेंट करता है रॉ इक्वल टू वन बाई पी ऑफ क्रोशर ठीक है नाव इलेवंथ है आई इक्वल टू पी इक्वल टू आई स्क्र बाय आर ठीक है करेंट स्क्वायर बाय रेसिस्टेंस हीट का क्या फार्मूला है हीट इक्वल टू एच इक्वल टू करेंट स्क्वायर ठीक है और uh, आर यानी कि रेजिस्टेंस बाई सो so गाइस आज का वीडियो वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को, भी को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है यहाँ पे ये यह आप देख सकते हो फोर जो फॉर्मूला है आपको ओम्स रो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मतलब सारे लगभग सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगता है और अगर हमें इससे आई का फॉर्मूला बनाना हो ठीक क्या करेंगे हम आई को इस साइड लेके आएंगे और आर वाई भी लिख देंगे अगर हमको आर का बनाना है तो आर इक्वल टू वी वाई आई लिख देंगे इससे भी दो फार्मूलाज बनते हैं और ये जो आप हीट का देख रहे हो उससे ही बनते हैं, हैं फार्मूलाज और आप एनर्जी का है एक उसमें उससे बनते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग